से एक दिन पहले देखो जान मान। भाई तुम्हारा नाम क्या है? और बाजू के घर की मेहंदी आज बकरीद है और रेडी हो गए। लाइफ में पहली बार देखो कुर्बानी देने वाला हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज कुछ ऐसी सीन है, आज अपन इस व्लॉग के अंदर ईद उल अजहा का पूरा माहौल देखने वाले हैं। इसका मतलब अपन बकरीद कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो देखने वाले हैं। कितना वीडियो एंड तक बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट गो। अच्छे बड़े बड़े शब्द है देखो, और ऊपर से मार रहे भी नहीं, अच्छे इनोसेंट है, इनोसेंट। ईद से एक दिन पहले देखो जान उमा में किराक माहौल है। अगर तीन चार दिन पहले है तो बैला नहीं मिलते, अगर एक दिन पहले है तो पूरा भरेवा मिलता ग्राउंड, और रात तक और आने वाले। ओके, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि एक दिन पहले का दालो सीन बोले छोटा है और गुस्से वाला है। ईद से एक दिन पहले भी देखो यहाँ पे जानुमा में बैला उतर रही, और वो भी अभी भी शद्दे शद्दे पहाड़े उतर रहे हैं। ये दो मेंढे देखो हमने कुर्बानी के लिए लाए बकरीद के लिए। अब उन लोग से अपन नामा पूछेंगे, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है। चलो भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम खलील है। अच्छा भाई तुम्हारा नाम क्या है? और मेरा नाम जलील है। अच्छा व्हाट इज योर डैडी नेम? हमारे अब्बा का नाम जलील है। कहाँ के रहने वाले तुम ना? अरे जाओ भाई दम नको करो। नहीं बोलते ठीक है कोई बात नहीं, बट सुनो एक बात बोलना था, मेरी ऑडियंस को सब्सक्राइब करो बोल के बोलो ना। एमडी यूनिक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लो भाई। शुक्रिया शुक्रिया, अच्छे बच्चे आप, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो कैसी लगी कमेंट करो। अब अपन व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, लेट्स। ये मेंढे जो है ऐसा रस्सियां फंसाने का परेशान करते, आखिरी चुलबुले रहते हैं नहीं आ रहे थे शाम। ये मेंढों को ला के देखो, सिर्फ एक दिन हुआ और एक ही दिन में सामने का मेंढा कंप्लेन ला लिया। क्या बोल के लाया मालूम? अंकल आके बोल रहे हैं, बाजू के घर वाले अंकल आके बोल रहे हैं, क्या यार हो क्या चल रहा है? बोला क्या हुआ अंकल बोलो तो सही पहले। उन्होंने बोल रहे हैं तुम्हारा घर का मेंढा और बाजू के घर की मेंढी दोनों मिलके आशिकी कर रहे हैं। बोला हाँ कैसा मालूम आपको? उन उधर से मेंढी मैं बोल के बोल रही, तुम्हारा मेंढा इधर से मैं बोल के बात कर रहा कहते। बोला अच्छा ओहो ठीक है अंकल, जो भी है मैं संभाल लेता हूँ, ये रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं देता हूँ, बिजार होता हूँ। फिर एक तो मैं बोला अंकल एक मिनट, फिर अंकल बोले क्या हुआ? बोलो अंकल आप पहले जमाने मेंढे थे क्या? उन्होंने बोले हाँ क्या हुआ कही को? मैं बोला वो दोनों की भाषा कैसा समझे, फिर वो बात अलग है। देखे गए एक मेंढा वहां से आवाज दे रहा, सुनो यहाँ से आवाज दे रहे हैं, मेंढा है कि मेंढी है कि? अभी तो स्टोरी बोला रहे, क्यों बोला कुछ तो चल रहा नहीं शूट करने दे रहे ना बिलो, क्या करूं आप फिर मैं एक थंबनेल के से फोटो निकाले रहे दे रहे। चले गए फिर से छोड़ के चले गए, कैमरा इधर से इधर ला रहा हूँ उधर जा रहे अब हम लोग खसाब धुलने जा रहे हैं, खसाब धुलने के बाद कुर्बानी होती है। अब कुर्बानी देना है देखो, इसलिए मैं कुर्ता चेंज कर लिया, नॉर्मल कपड़ों पे आ गया। लाइफ में पहली बार देखो कुर्बानी देने वाला हूँ। चलो बिस्मिल्लाह। ईद के बाद कैसे जा रही है? कैसे थे बकरे कैसे थे? तो फाइनली देखो बकरे की कुर्बानी हो गई, अब अपन गोश्त बांटने जा रहे हैं। सुबह से जैसा अपन कुर्बानी करे थोड़े सो गए थे, बिल्कुल हालत चुकी थी, रात में नींद नहीं आई थी। अब जाएंगे दोस्तों को गोश्त बांटेंगे, और ऐसे घर वाले जो भी अपने खानदान के लोग बांटेंगे। गोश्त इतना ही लिया हुई, बाकी का टिक्की में एक गोश्त आप लोग आज से देखो 7-8 साल पहले बकरीद के दिन मैं 7-8 दिन पहले या 10 दिन पहले मैं बकरा मंगा लेता था अब्बा से जिद करके। मैं अब्बा जाके मैं पसंद करके बकरा लेके आता था, तो एक दिन हम लोग मैं अब्बा जाके व्हाइट कलर का बकरा लेके आए थे, बहुत प्यारा बकरा था वो। वो बकरे के उधर मैं 7-8 दिन पाला बकरीद तक, और वो बकरे को अगर मैं छोड़ भी दिया ना तो मेरे पीछे पीछे आ जा रहा था, उतना पालतू हो गया था वो बकरा। 7-8 दिन पाले के बाद देखो बकरीद आ गई थी। बकरीद के दिन हमारे घर वाले जाके खस साहब को ले लेके आए, और वो दिन मेरी हालत ख़राब। मैं बोला ये जो बकरा है मेरा वाइट बकरा, उसको हरगिज नहीं काटना, ये मेरा पालतू बकरा है हरगिज नहीं काटना, ऐसा हो गया था मैं, मतलब काटना ही नहीं बकरे को। और घर वाले बोले नहीं ऐसा नहीं है, अगर कुर्बानी की नीयत से लाए बकरा तो काटना ही पड़ता। अपन छोटे थे बट वो बात ना मेरे कुछ भी समझ में नहीं है, खाली एक ही जिद पे था बकरा नहीं काटना। क्या करे इसके बाद मेरे को खुद समझाए नहीं समझा मैं, इसके बाद खस साहब को तो बुला लिए थे, इसका खस साहब जबरदस्ती वो लिए बकरा लेके जुबा कर दिए, और वो दिन में सर ले जाके
दीवार पे मारा था कि बकरा अनको काटो बोली। फिर घर वाले क्या बोले थे, अब नको रो रहे भाई ये बकरीद होती है तो बकरा दिलाता हूँ बोल के बोले थे। मैं बोला नहीं मेरे को यश बकरा होना। इसके बाद क्या हुआ, कुर्बानी हो गई बकरीद के बाद मेरे को बकरा दिलाने लग गए थे। बट इसके बाद बकरे पे दिल नहीं आया मेरा, मैं सोचा चलो रिमोट की कार ले लेंगे, रिमोट की कार ले घर पर आ गया था। ये स्टोरी सोचा था मैं बोलूंगा बोल के, पहले ही सोचा था बट ये व्लॉग में बोल दिया। अगर कोई जानवर से देखो अपन कुर्बानी की नियत कर लिए तो कुर्बानी ही देना पड़ता। कुर्बानी की चीज को पाल लो मत, अलग से ला लो पालने के वास्ते। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नया चैनल पे सब्सक्राइब करो और वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाय।